हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपने आज सुबह का डेली करंट अफेयर का सेशन देख लिया होगा। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं 16 मई 2023 का ये सेशन। पहला क्वेश्चन लेंगे, टोक्यो को भारत से आयात करने में सक्षम बनाने के लिए भारत और जापान के नवंबर 2012 के दौरान दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए, तो वो थे रेयर अर्थ मिनरल्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस डे इज मार्क्ड ऑन, अनिवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है जनवरी 9 को। मैंने आपका वोट कमाया या नहीं, मैंने आपकी बात सुनी है, मैंने आपसे सीखा, आपने मुझे एक बेहतर राष्ट्रपति बनाया, किसके द्वारा कहा गया? तो ये है बराक ओबामा, उनके द्वारा ये कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीनेटर के रूप में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में प्रवेश करने वाले पहले हिंदू अमेरिकी कौन हैं? तो ये हैं तुलसी गबार्ड। राजनीतिज्ञ कौन नहीं था? तो ये हैं SL बहुगुणा, ठीक है, करेक्ट आंसर है सी। वाइस पुरस्कार 2012, जिसे शिक्षा के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, दोहा में वाइस शिखर सम्मेलन द्वारा प्रदान किया गया था, डॉक्टर माधव चौहान। वर्ष 2012 के लिए फॉर्च्यून द्वारा आंका गया भारत में व्यापार में सबसे शक्तिशाली महिला, तो ये हैं चंदा कोचर। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2012 किसे प्रदान किया गया था? तो ये हैं एलन जॉनसन सरलीफ। निम्न में से किसमें शरीर का तापमान अचानक कम होने के कारण शरीर से अत्यधिक गर्मी के नुकसान के कारण हाइपोथर्मिया होता है? तो ये है ह्यूमन बीइंग्स। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड अनिवार्य रूप से निर्मित पेट्रोकेमिकल है। कैसा लगा आपको ये सेशन, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए। मानशु मिश्र एजुकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।